हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार अपडेट मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी कैंडिडेटों का वेट था कि नॉर्सेट 5 का जो अपडेट है वो कब तक आने वाला है या नॉर्सेट 5 का एग्जाम है वो कब तक करवाया जाएगा। फाइनली उन जो कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे थे तो उनका जो फाइनली जो वेटिंग है वो खत्म हो चुकी है। जो नॉर्सेट 5 का जो अपडेट है वो आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नॉर्सेट 5 एम्स दिल्ली की अपडेट दे दी गई है। उस अपडेट के बारे में आपको यहाँ पर कंप्लीटली जानकारी देने हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखते रहे। सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से यह न्यूज़ में देखने को मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से 5 अगस्त यानी कि आज ही ये जो नोटिफिकेशन है ये डाला गया है। और यह नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड, नॉर्सेट 5 से रिलेटेड यह नोटिफिकेशन डाला गया है, ठीक है। जिसके अंदर आपको क्या करा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इन्वाइटेड किया गया है। किसके अंदर, नॉर्सेट 5 के लिए, ठीक है। नॉर्सेट 5 के लिए आपको इनवाइटेड किया गया है, जिसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, बीएससी होम्स नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे और रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर नर्स आपके पास जो आरएम और आरएन नंबर होते हैं वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर जिन कैंडिडेटों के पास जीएनएम कर रखा है या जो कैंडिडेट जीएनएम कर रखे हैं उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50-बेडेड हॉस्पिटल का, तो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस वैकेंसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब की बार कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है नॉर्सेट 5 के अंदर, इसके अंदर 2 एग्जाम कर दिए गए हैं, प्री और मेन, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लीजिए एज लिमिट के बारे में है, उसके बाद देख लेते हैं तो 18 से 30 ईयर इसकी क्या रहने वाली है, एज लिमिट रहने वाली है, यानी कि 30 साल से ऊपर वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन सेम पहले जैसा ही लागू किया हुआ है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फीस सेम वही रहने वाली है जो पिछले नॉर्सेट 4 के अंदर रही थी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 3,000 रुपये है, एससी एसटी कैटेगरी की 2,400 रुपये है और बाकी जो डिसेबिलिटी कैटेगरी है उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं दी गई है। और एप्लीकेशन फीस में आप बात करूँ तो जो एससी और जो एसटी जो कैटेगरी है उसकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम इसका किस टाइप से होने वाला है या फिर जो मेन एग्जाम है वो किस टाइप से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम की मैं बात करूँ, स्टेज 2 के अंदर यह एग्जाम करवाया जाएगा अब की बार नॉर्सेट 5 के अंदर। सबसे पहले देख लीजिए नॉर्सेट जो प्रीमियर जो एग्जाम होगा वो 17 सितंबर को होगा, यानी कि संडे को करवाया जाएगा। और नॉर्सेट 2nd यानी कि जो मेन एग्जाम होगा नॉर्सेट का वो करवाया जाएगा 7 अक्टूबर को, ठीक है। यानी कि ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है नॉर्सेट के अंदर कि 17 अक्टूबर को आपको प्री देना पड़ेगा और 17 सितंबर को आपको प्री देना पड़ेगा और 7 अक्टूबर को आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर मेन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि www.emsexams.ac.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से ही इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं और 25 अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। 25 अगस्त के बाद में आप इस वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। इंटरेस्टिंग क्या, सभी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है तो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि 25 अगस्त के बाद में यानी कि 5 बजे के बाद में जो ये पोर्टल है ये बंद हो जाएगा और आप जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपको मैंने देनी थी कि इस जो नॉर्सेट 5 है उसके अंदर बहुत ही बड़ा चेंज आपको कर दिया गया है एग्जाम्स के अंदर, इसके अंदर 2 एग्जाम कर दिए गए हैं, प्री और मेन, ठीक है। सबसे बड़ी दुखद सूचना यही है, इसके अंदर 2 एग्जाम किए गए हैं। पहले जो कैंडिडेट है वो एक एग्जाम से होते थे, लेकिन आजकल इसी के अंदर एग्जाम है वो 2 कर दिए गए हैं। तो यही एक अपडेट देनी थी, बाकी जो कंप्लीट डिटेल है मैं आपको कल 1-2 दिन में आपको कंप्लीटली सिलेबस के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट को अंदर शेयर कर दें, फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।